education, new age technological intervention in education. These are huge issues, especially in this fourth industrial revolution. As we know, we are in the midst of this fourth industrial revolution, chauthi industrial revolution hai, and this is extremely significant. And why it is significant is because all biological जो बायोलॉजिकल डोमेन्स हैं, जो सब साइबर इश्यूज हैं, डिजिटल वर्ल्ड है एंड फिजिकल वर्ल्ड, दीज थ्री वर्ल्ड्स आर मर्जिंग टुगेदर. पहली बार दुनिया में इस तरह की सिचुएशन इमर्ज हुई है. तो जो टेक्नोलॉजिकल जितने इंटरवेंशंस हैं वो इस समय इसलिए बहुत सिग्निफिकेंट हो गए हैं क्योंकि फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल अलग हैं. जो हमारे पास जो एजुकेशन रही है, जो हम देख रहे हैं, जिससे हम लोग डील करते हैं, वो सेकेंड और थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से थी. हमने जो हम अगर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के हिसाब से कहें कि हमारे पास जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन थी, वी नो कि जिस तरह का हमारे पास जो पहली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन थी, तो हमने उसमें जेम्स वॉट का हमको पता है कि किस तरह से एनर्जी का हमने यूज़ करना शुरू किया. पहली बार कुछ इस तरह से हुआ कि लोकोमोटिव्स पे काम हुआ, ट्रेन चलने का काम हुआ, हमने एनर्जी की बात करी. और दूसरी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इसलिए सिग्निफिकेंट थी क्योंकि उस दूसरी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हमने इलेक्ट्रिसिटी की बात करी है. थॉमस एल्वा एडिशन, जीनियस ऑफ थॉमस एल्वा एडिशन की, जिन्होंने न सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात की, इलेक्ट्रिसिटी का हम कहते हैं कि उनके द्वारा लाई गई, और उन्होंने उसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी. पहली बार नगर जगमगाए, तो ये सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन थी, और जिसके द्वारा हमने मास प्रोडक्शन शुरू किया, फैक्ट्री चलनी शुरू हुई. तो कुल मिला के देखिए, अगर हम एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले यूरोप की सुप्रीमेसी किस तरह से हुई, क्योंकि यूरोप ने जो हमारे पास मैनुअल प्रोसेस थी, जो एनिमल्स का इस्तेमाल होता था या फिजिकल लेबर का इस्तेमाल होता था, उन्होंने उसको मशीन के द्वारा करना शुरू किया, मैकेनिकल सिस्टम्स के द्वारा करना शुरू किया. तो मशीन की जो पावर थी, उससे पूरी की पूरी इकोनॉमी बूस्ट हुई, और इसलिए पूरी की पूरी ज्योग्राफी में अगर ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री में देखें तो यूरोप को गेट सुप्रीमेसी. और बाद में उसी मॉडल को हम जानते हैं अमेरिका ने पूरा का पूरा अडॉप्ट किया, और जो दुनिया के एडवांस नेशंस बने उन्होंने इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का फ़ायदा उठाया. वी नो फॉर सर्टेन कि हिंदुस्तान में हमारे पास वी हैड बेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज. तक्षशिला हमारे पास ना, नालंदा हमारे पास था, और वो जो पूरी की पूरी सारी चीज़ें थी, ये हमारे पास जो नॉलेज पावर हुआ करती थी जिसको हम कहते थे, वो उससे हमारी सुप्रीमेसी रही है. और अगर हम 1823 तक भी देखें तो जो वर्ल्ड ट्रेड में है, हिंदुस्तान का कंट्रीब्यूशन हुआ करता था, लेकिन देन इट डिक्लाइंड फॉर द रीज़न कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में अपना पार्टिसिपेशन होता है और उससे जो इकनॉमी को जनरेट करने की बात थी, इट वॉज अ मिसिंग लिंक. ये हिंदुस्तान के साथ भी हुआ, ये चाइना के साथ भी हुआ, उन कंट्रीज़ के साथ में हुआ जहाँ पर जो जिनके पास पहले बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स था, एनिमल रिसोर्स था, है ना, जिनका इस्तेमाल हुआ करता था, जिसके द्वारा वो इकोनॉमी जनरेट करते थे. देखिए, बेस्ट ऑफ बिल्डिंग्स जो दुनिया में बनी हैं वो हमारे वहाँ हिंदुस्तान में बनी है, और वो मैनुअल लेबर के द्वारा बनी है. मैनुअल लेबर के द्वारा दे कुड डू दिस, दे कुड बिल्ड दीज मोन्यूमेंटल बिल्डिंग्स. लेकिन बाद में क्योंकि धीरे 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 इकोनॉमी का आधार इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ से होने लगा कि आपकी इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस क्या है, तो उसमें यूरोप ने क्योंकि लीड ले ली, एंड यूरोप टुक द लीड एंड गॉटन टू द ड्राइवर सीट, एंड देयर फोर द इकोनॉमी स्टार्टेड मूविंग. मतलब पहली बार हम जानते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर हैंड वोवन कपड़े इतना काम हुआ करता था. पूरी हमारी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अगर हम गौर से देखें तो इतना अनरेस्ट हुआ है. जो हमारे पास कॉटन का काम हुआ करता था, सारी चीज़ें, वो क्या हुआ कि वो मैनचेस्टर से बन के आने लगा, और मैनचेस्टर से बनने आने लगा तो यहाँ पर इतने हाथ खाली हो गए, और वहाँ की पूरी इकोनॉमी, वो पूरी इंग्लैंड की इकोनॉमी, हम कहते थे कि उन्होंने इसके द्वारा, क्योंकि मशीन से बनना शुरू हो गया. एंड गांधी जी का बड़ा भारी इसलिए कंट्रीब्यूशन है, उनके समझ में आया कि हाथ को अगर काम नहीं है, हुनर को काम नहीं है, तो उससे अनरेस्ट होगा. और उन्होंने
हम जानते हैं विदेशी कपड़ों की होली जलाई, यहाँ प्रमोशनल पूरी की पूरी वो हुई कि किस तरह से हम अपनी कॉटेज इंडस्ट्री को मजबूत करें ताकि लोगों को काम मिले। तो आज हम इस कंटेक्स्ट में देखें कि इस वाली फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में या इससे पहले थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में इंडिया टू का ऑल्सो ली फ्रॉगिंग, इंडिया गॉट इन टू दिस ली फ्रॉगिंग किस समय, जो आईटी रिवोल्यूशन हुई थी। आईटी रिवोल्यूशन किस वाले में हुई थी, थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में हुई थी कि कंप्यूटर्स आए, ऑटोमेशन शुरू हुआ। यानी फर्स्ट में हम कह रहे हैं कि स्टीम इंजन, एनर्जी पावर, ये पूरी की पूरी चीज़ें आनी शुरू हुई। सेकेंड वाले में इलेक्ट्रिसिटी आई, थर्ड वाले में आईटी, कंप्यूटर्स, ये पूरी की पूरी आई, ऑटोमेशन शुरू हुआ है। नाउ दिस फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो हमारे पास, जिसको हम रफली कहते हैं कि करीब करीब हमारे पास 2010 ऑनवर्ड्स हम ये जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, फिजिकल सिस्टम्स हैं, साइबर सिस्टम्स हैं, इनकी मर्जिंग शुरू हुआ, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट हुआ है। जो हमारे पास एजुकेशन पॉलिसीज हैं, एजुकेशन में हुआ है, एजुकेशन हमने कुछ इस तरह से डेवलप करी जो हमारा पुराना सिस्टम रहा करता होगा, जिसमें गुरुकुल हैं, बैठे हैं, वो जिसमें ज्ञान लेने के लिए जो सिस्टम्स डेवलप थे उसमें एक मूलभूत चेंज किस तरह से आया है, क्योंकि जो यूरोपियन सिस्टम था वो वही उसके हिसाब से हुआ है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के हिसाब से, कि एक फैक्ट्री लाइक सिचुएशन, एक स्कूल है और उस स्कूल वो 10 से 4 बजे तक खुल रहा है, एक टीचर है, एक तरह का डिस्कोर्स है, लेक्चरिंग है, एक पर्टिकुलर सिलेबस है उनको बताया जा रहा है। क्योंकि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम था बेसिकली उनको ब्रिटिश हुक्मरानों को अपने वहाँ अपने सिस्टम को चलाने के लिए लोगों की ज़रूरत थी, जिनको कहते थे कि क्लर्क्स की ज़रूरत है, उसके लिए उन्होंने एक एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया, जिसको हम कहते हैं कि मैकॉले का पूरा शिक्षा प्रणाली है, और जिसमें दिया जा रहा है तो एक तरह की रोट लर्निंग है कि आपको एक सिलेबस है, उससे आपने वो न्यूमरेसी है कि उसमें आपको कैलकुलेशंस भी आती है, भाषा आती है, आप काम कर रहे हैं, क्योंकि आप नाउ यू 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 आर मेंट टू सर्व अ पर्टिकुलर रिजीम, एक गवर्नमेंट को आपको सर्व करने के लिए बनाना है, और यही एक पूरा का पूरा सिस्टम डेवलप हुआ। हम जानते हैं कि ड्रेस हुई, ये फैक्ट्री लाइक सिचुएशन है कि फैक्ट्री के अंदर में एंट्री हुई, घंटी बजी, एक पर्टिकुलर स्टाइल से पूरा का पूरा पढ़ाया गया, और बाद में एक लंबी घंटी बजी, छुट्टी हो गई या इंटरवल हुआ, तो इस तरह की हमने एक शिक्षा प्रणाली को डेवलप किया। नाउ द टाइम इज डिफरेंट, आई एट टाइम्स कॉल इट वी आर समहाउ इन द मिड्स ऑफ दिस मोबाइल असिस्टेड लर्निंग एनवायरनमेंट। हम एक मोबाइल असिस्टेड, हमारे पास मोबाइल की जैसी ताकत है, जिस मोबाइल में उतनी ताकत है जो सुपर कंप्यूटर जो हम 80s के टाइम में कह रहे हैं, उतनी आज आपके पास मोबाइल में ताकत है। जो हम 1971 में जिस प्रोसेसर की बात कर रहे हैं कंप्यूटर्स में, जो उससे आज हम जानते हैं कि उससे 1000 टाइम्स ज़्यादा हमारे पास फास्टर प्रोसेसर्स हैं, तो कंप्यूटिंग पावर बढ़ी है। मूर्स लॉ एक बड़ा इंटरेस्टिंग नियम है कंप्यूटर्स में, और जिसको गॉर्डन मूर ने दिया था, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है कि जिस समय लॉ दिया गया था उस समय जो हमारे पास सेमीकंडक्टर और जो पूरी प्रोसेसिंग थी कंप्यूटिंग की, इट यूज़ टू डेवलप वर्चुअली, इट यूज़ टू डेवलप, पहले तो एक साल के लिए था कि एवरी ईयर इट इज़ डबलिंग अप, देन इट स्टार्टेड ऑफ विद एवरी 2 years, 18 months टू 2 years इट वॉज डबलिंग द स्पीड ऑफ द सिस्टम्स। तो जो आप हाथ में अपनी मशीन रख रहे हैं उसकी पावर लगातार, कंप्यूटेशनल पावर लगातार मल्टीप्लाई हो रही है, बढ़ रही है। ऑफ कोर्स आज हम कहने लग गए हैं कि नाउ इट इज़ स्लोइंग डाउन टू द एक्सटेंट की जो हमारे पास अपने पास क्वालकॉम से लेके हमारे पास जो प्रोसेसर्स हैं, हम कह रहे हैं कि विद अमेजिंग स्पीड्स दे आर, लेकिन जो मूर्स लॉ है वो भी एक पॉइंट पे यहाँ पर पहुँचा है कि हमको पता है कि दिस इज एक्सपोनेंशियली इट हैज़ इंक्रीज्ड। अब हमारे पास इतनी कंप्यूटिंग पावर है कि हम जीन सिक्वेंसिंग कर रहे हैं। देखिए, पहली बार बायो स्पेयर को हमने कंप्यूटर्स में यानी साइबर वर्ल्ड में हमने उसकी मदद से हम जीन सिक्वेंसिंग कर रहे हैं। हम IBM के जितने हमारे पास जो मशीन्स हैं, हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो बेस्ट ऑफ सिस्टम्स हैं उससे हम दुनिया में कैंसर के से इलाज से लेके जो बेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं उनकी हम बात करनी शुरू कर गए हैं, जिसको हम IBM वॉटसन
मशीन्स कहते हैं उसके माध्यम से। इसी तरह से हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पुराना कॉन्सेप्ट है, हम जानते हैं कि 50s में आ गया था, बट नाउ रिसेंटली इट हैज़ पिक्ड अप, मशीन लर्निंग हैज़ पिक्ड अप। ऐसा क्यों हुआ? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये ऐसा इसलिए हुआ कि जो हमारी कंप्यूटेशनल पावर थी वो बढ़ गई है। नाउ यू आर इन अ पोजिशन, मशीन्स आर इन 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 अ स्टेट वेर इन, अब हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं। ये एजुकेशन के लिए इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि अब हम IoT की बात कर रहे हैं, फॉर दैट मैटर इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी कहते हैं, इंटरनेट फॉर एवरीथिंग भी कहते हैं। पहली बार दुनिया में कुछ इस तरह का माहौल बना है जब हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो डिवाइसेज हैं दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, यानी हम पर्सनलाइज्ड लर्निंग की तरफ की भी बात कर सकते हैं कि हाउ एन इंडिविजुअल इज लर्निंग, हाउ दिस एजुकेशन हैज़ बीन ए और शुड बी इम्पार्टेड, हम इसकी भी बात कर सकते हैं कि नाउ बिकॉज दिस वर्ल्ड इज कनेक्टेड। तो हम जिस तरह की बात हो रही है, शायद आज से 20 वर्ष पूर्व भी इसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि जिस तरह में पूरी दुनिया जा रही है या एडुकेशन जा रहा है। दुनिया में हम कह रहे हैं कि हमारे पास मोर देन 7 बिलियन लोग हैं, हम एक ऐसी दुनिया में हम उसकी कल्पना कर रहे हैं कि क्या हम अनदर 10 ईयर्स और सो आर ऑल दीज ह्यूमंस गोइंग टू बी कनेक्टेड। नाउ दिस वुड बी दिस इज समथिंग फैंटास्टिक, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम 3 बिलियन कनेक्टेड पीपल हैं, भाई इंटरनेट क्या है, इंटरनेट जो लार्जेस्ट हमारे पास इंटरनेटवर्क है उसमें कनेक्टेड दुनिया है, पूरा ग्लोबल वर्ल्ड, एक पूरी की पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। व्हाट इज हैपनिंग इन जापान इज आल्सो अवेलेबल टू अ स्टूडेंट आउट हेयर इन इंडिया एंड सिमिलरली टू अ स्टूडेंट इन US। जो बेस्ट ऑफ आपके लेक्चर्स हैं, जो आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, ये न सिर्फ पूरे के पूरे मालूम है आपको कि जुड़े हुए हैं, इंफॉर्मेशन की इतनी शेयरिंग है, तो ये दुनिया बहुत दूसरी डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन ये चीज़ हमारे पास 10 वर्ष पूर्व, 20 वर्ष पूर्व, क्योंकि हमारे पास WWW हम कह रहे हैं कि आज लगभग 30 वर्ष का WWW हो रहा है, उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि अब हमारे पास ह्यूमंस के साथ में भी जितने डिवाइसेस हैं, हम कह रहे हैं कि नाउ दीज डिवाइसेस जो ट्रिलियंस में भी हो सकती हैं, वो डिवाइसेस पूरी की पूरी कनेक्टेड हो रही हैं, होने जा रही हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर डिवाइसेस कनेक्ट हो रही हैं तो आपको पता है कि आपके घर में इस समय, भाई पहले ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि अगर हम कैमरा आपने लगाया हुआ है कहीं पर चीज़ है, वो आपकी वो अलग इश्यूज हैं कि प्रिवेसी का इशू हो सकता है, सर्वेलेंस में किस तरह से हो सकता है, ब्रीच है क्या है। लेकिन सवाल ये है कि आज आप कहीं पर भी बैठे हुए हैं, अपने अगर वो IP से आप जुड़े हुए हैं, नेटवर्क में हैं, तो आप अपने कहीं से भी अपने घर को मॉनिटर कर सकते हैं, क्या सिचुएशन है ये भी हो सकता है, घर की लाइट खुली हुई है ये भी हो सकता है, घर के अंदर रेफ्रिजरेटर में आपके क्या सामान है आप ये भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और एक ऐसी सिचुएशन की कल्पना करिए कि जहाँ पर अगर आपका रेफ्रिजरेटर में कोई सामान नहीं है, ये तो हम आज आपको पता ही है कि स्विगी से लेके और जोमेटो तक आप ऑर्डर कर रहे हैं और आपके घर में खाने का सामान आ रहा है, आपको मिल रहा है, संभवतः 30 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व ऐसी हम कल्पना नहीं कर रहे थे। तो अगर ये सिचुएशन हो रही है फिजिकल वर्ल्ड में, एक आप उसकी कल्पना कीजिए कि आपने ऑर्डर करा और एक ड्रोन आ रहा है और ड्रोन से आपके घर में आपका शाम का खाना और बहुत बढ़िया किस्म की जो आपके मेन्यू में पूरे का पूरा पड़ा हुआ है वो आपका ऑर्डर हो रहा है, फिजिकल भी इसमें इंटरफेरेंस ह्यूमन बीइंग की नहीं है, नाउ द ड्रोन इज सर्विंग, नाउ इट इज़ नॉट एन इम्पॉसिबिलिटी। ये बहुत आसान है और बहुत मुश्किल नहीं है जिस डायरेक्शन में ड्रोन टेक्नोलॉजी जा रही है, दिस इज समथिंग मैसिव विच इज हैपनिंग। और वो इतनी बड़ा उसमें अवसर जाया है कि ये पूरी दुनिया में जिस तरह से मेडिकल साइंस में, नाउ समबडी इज इन डिस्ट्रेस नीड सम मेडिसिन, या डिजास्टर रिडन हमारे पास इलाके हैं, अगर हमको मेडिसिन भेजनी होती है कई बार नहीं भेज पाते हैं कि बीच में, विद इंटरनेट इट हैज़ ट्रूली रिवोल्यूशनाइज्ड दिस टीचिंग लर्निंग जो पूरा का पूरा सिस्टम है, और एंड इट हैज़ आल्सो बिकम मोर पर्सनलाइज्ड, कि क्लास में एक लेक्चर दिया गया है और वो सारे स्टूडेंट्स या सारे लर्नर एक तरह से जो सीखने की बात है कि उनको एक ही तरह से कंटेंट डिलीवरी हो रही है, वो कितना सीख रहे हैं, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एक तरह का एक ही तरह से परफॉर्मेंस होगा। लेकिन ये जो न्यू एज आई है, जो ये AI इनिशिएटेड लर्निंग भी होने जा रही है,
उसमें हमको ये मालूम है कि कौन सा लर्नर किस गति से सीख रहा है। अगर हमारे पास 30 बच्चे या 20 बच्चों की क्लास है और टीचर किसी बात को पढ़ा रहा है, तो हमको ये मालूम है कि एक तो ये आवश्यक नहीं कि वो एक ही किसी स्थान विशेष पे खड़ा होकर पढ़ा रहा हो, वो कहीं भी हो सकता है। वो टीचर अब फैसिलिटेटर है, वो टीचर एक मॉडरेटर है, वो टीचर एक क्यूरेटर है। वो दे रहा है कि किसी टॉपिक पे अगर उसने क्वांटम मैकेनिक्स की भी बात करनी है, वेर एवर दैट टीचर इज, और जो लर्नर हैं वो अलग अलग स्थानों पे हैं, वो अपने पेस से सीख सकते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से सीख सकते हैं, अपने हिसाब से क्वेरी कर सकते हैं। और ये टीचर को मालूम है कि कौन से लर्नर को कितना कुछ समझ में आ रहा है। और सबसे जो मज़ेदार बात हुई है, जो इस जो मुझे लगता है कि इस टेक्नोलॉजी और इस समय के साथ हुई है, ये आवश्यक नहीं, बिकॉज जो जो फ्लिपकार्ट जो फ्लिप क्लास है कि आपने फ्लिप्ड हैं कि आपको जो क्लास में पढ़ाया जाना है, अगर टीचर ने उस टॉपिक को स्टूडेंट्स को दिया है तो स्टूडेंट ने पूरी की पूरी रिसर्च की है। और उन्होंने, हो सकता है कि अगर टीचर जो, अगर हम ये कल्पना करें कि आज से 20-30 वर्ष पूर्व की विश्वविद्यालय में या क्लास में जो टीचर किसी एक चैप्टर को पढ़ाने के लिए आ रहा है, वो टीचर को भी कुछ किताबों का रेफरेंसिंग से टीचर ने भी अपने को तैयार किया हुआ और टीचर उस बात को पढ़ा रहा है सिलेबस के आधार पर। नाउ हेयर इज अ ऑल टुगेदर डिफरेंट सिनेरियो कि जिस विषय को पढ़ाने के लिए जा रहा है स्टूडेंट को पता है और स्टूडेंट के पास सारी की सारी सुविधा उसके मोबाइल पर उपलब्ध है। अब आप देखिए, नाउ दिस पर्सन इज अ मोबाइल लाइब्रेरी, मोबाइल इंफॉर्मेशन सिस्टम, आपके पास सारी चीज़ें हैं। और तो वो न सिर्फ रिसर्च्ड है जो स्टूडेंट है, उसके पास सारी जानकारियां हैं, बल्कि उस पूरे जितना जिस विषय पे बात हो रही है उस पर एक्सटेंसिव लर्निंग हो सकती है। इनफैक्ट जो टीचर है उसके लिए भी ये अपने आप में बहुत बड़ा अनुभव है कि इसके आधार पर वो अपने भी जो ज्ञान है उसको बढ़ा सकता है, क्योंकि ही नीड्स टू बी मोर थॉरो नाउ कि किसी चीज पे। और एक जो पहले हिच हुआ करती थी कि आपने क्लास दिया और आपने प्रश्न पूछने पे आपको बहुत सहज नहीं होता था, मुझे लगता है कि ये जो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लर्निंग है या मोबाइल इनिशिएटेड है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटेड लर्निंग है, इसमें ये सहजता है, क्योंकि टीचर भी कह सकता है कि मेरे पास ये जो आपके आपने ये जानकारी दी है, चलिए इसको ही बैठ के आगे इस पे ही बैठ के विचार कर लेते हैं, देख लेते हैं, और आपके पास इंटरनेट है और किसी ऑथेंटिक जो उसकी साइट्स है उससे क्रॉस चेक हो सकता है। और आगे को जिसको ज्ञान कहते हैं और जिस ज्ञान यज्ञ की हम बात करते हैं और जिसको भारतीय मनीषा में हम हजारों वर्षों से कह रहे हैं, मुझे लगता है कि ये जो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड मामला है इससे ये चीज़ हल भी होगी और ये आगे को जो प्रोसेसेस हैं टीचिंग लर्निंग के हैं ये ज़्यादा सशक्त होंगे। नंबर वन। नंबर टू जो बात है, जिस बात को हम कह रहे हैं कि जियोग्राफी अब इम्पॉर्टेंट नहीं रही है, कि जियोग्राफी की आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो बिल्कुल ठीक बात है कि आपको बेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ वहाँ आप रहेंगे तो वो जो इकोसिस्टम है दैट मैटर्स अलॉट, बिल्कुल ठीक बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिवर्सिटीज़ के पास है, बेस्ट ऑफ ब्रेन्स है, वो बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ है, मतलब ये जो क्लास था फ्रॉम क्लासेस टू मासेज वाली जो बात है कि यूनिवर्सिटीज़ हुआ करती थी कि वो क्लास रेस्ट्रिक्टेड थी, कि जो लोग अफोर्ड कर सकते थे यूनिवर्सिटीज़ में जाना, हिंदुस्तान के लिए हम कहते थे कि वो इलाहाबाद में जा रहा है, वो दिल्ली में जा रहा है, बॉम्बे में जा रहा है, मद्रास में जा रहा है, जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था जिसके बाद ब्रिटिशर्स ने हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ देनी शुरू करी हैं, वो हमारे पास धीरे 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 जिस तरह से आई हैं वो हमारे पास एलीट्स के लिए, वो क्लास के लिए हुआ करती थी, जो लोग अफोर्ड करते थे, मासेस के लिए नहीं थी। मासेज ने बाद में यूनिवर्सिटीज़ खुली हैं, जाना शुरू हुआ है, उसकी वजह से हमने कई बार ये कहा कि मैसिफिकेशन ऑफ एजुकेशन से क्वालिटी पे हमारा डाइल्यूशन हुआ है, कि हमने कहा कि हम वो क्वालिटी मेंटेन नहीं रख पाए। दो वी हैव यूज वी नो फॉर सर्टेन अबाउट 1000 यूनिवर्सिटीज़ विद 50,000 अराउंड कॉलेजेस दैट वी हैव, यूज इंफ्रास्ट्रक्चर वी हैव, बट स्टिल वी से कि जो हमारे पास इक्विटी है, एक्सेस है, एक्सेलेंस है, एम्प्लॉयमेंट है, जो हमारे इनके बेसिक पैरामीटर्स हैं एजुकेशन के हैं, उसमें कहीं पर हमने क्वालिटी सफ़र हुई है। उस क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए, ये उस क्वालिटी को एश्योरेंस करने के लिए हमारे पास बड़ा इंटरेस्टिंग है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, कि हम
किस तरह से बेस्ट ऑफ कोर्सेज को बेस्ट ऑफ टीचर्स के द्वारा, और कितने हमारे पास जो हमारे पास रिसोर्स हैं, जिसको कई बार कहा जाता है, बहुत कॉमन सा हो गया, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं हमारे पास, मूवीज़ हैं हमारे पास, ई नोट्स हैं हमारे पास, ई कंटेंट है हमारे पास, मूवीज़ हैं, तमाम तरह के फॉर्मेट्स में हमारे पास इंफॉर्मेशन है जिससे टीचिंग होती है। एक बहुत इंटरेस्टिंग है जिससे आजकल मैं बच्चों में देखता हूँ, दे हैव लर्नड इट, एक ठीक तरह से जो अगर इवॉल्व हो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी ठीक तरह से होना चाहिए, बिकॉज ये डबल एजेड शॉर्ट है, वी नो कि विजुअल लर्निंग, विजुअल्स को देख के, कि अगर आप किताब लगातार पढ़ रहे हैं या किताबों से है, हम जानते हैं कि जो टेक्स्ट है अगर वो 1,000 है या 5,000 है, और अगर विजुअल पिक्चर है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है बिकॉज दैट कन्वेज द मैसेज। यहाँ हमारे पास अगर ये विजुअल जो लर्निंग है जिस तरह से बनाया गया है, क्योंकि हमारे पास सिस्टम्स हैं और वो हमारे पास इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स हैं, नेटवर्क सिस्टम्स हैं, कनेक्टेड वर्ल्ड है, अगर एक के पास एक लर्निंग का कोई चीज़ है तो हम उसको फैला सकते हैं। आप देखिए कि सोशल मीडिया में जब आपका एक व्हाट्सएप का एक मैसेज किसी तरह से जाके वो वायरल हो सकता है, आई कैन रीच आउट टू मिलियंस ऑफ पीपल, सिमिलरली अ फेसबुक पोस्ट कुड डू वंडर्स, व्हाई नॉट इन केस ऑफ लर्निंग। तो ये लर्निंग मुझे लगता है इन सिंपल टर्म्स कि ये लर्निंग रिवोल्यूशन का टाइम है, जो पूरा का पूरा टाइम मिला हुआ है, इसने कमाल का काम किया है, और न सिर्फ पर्सनलाइज्ड लर्नर सेंट्रिक पहली बार बना हुआ है, इसलिए कई बार मुझे लगता है कि ओपन जो लर्निंग सिस्टम्स हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं, क्योंकि वो आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि अपने हिसाब से, अपने लिहाज से आप अपने तरह से सीख सकते हैं, आपका अपना पेस हो सकता है जिस तरह से आप कर सकते हैं। और आप AI आपको इसमें भी मदद करती है कि कितना आप जो परफॉर्मेंस है कि आप कितना सीख पा रहे हैं, क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये जो आपकी नई चीज़ें आई हैं कि लेयर की लर्निंग पे भी जो डिफरेंट लेयर्स ऑफ लर्निंग है, किस तरह से लर्निंग संभव हो पा रही है, दिस इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी विच ह्यूमैनिटी इज प्रेजेंटली विटनेसिंग। और क्योंकि अभी शुरुआत है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की तो अभी शुरुआत है, शुरुआती दौर है, लेकिन ये रिवोल्यूशन ऐसे डायमेंशंस की तरफ को ले जाने की बात कर रही है जो अनप्रेसिडेंटेड होंगे, जो हमने अभी सोचे भी नहीं है। वेयरेबल कंप्यूटर्स, लाइक हमको मालूम है कि जैसे हम घड़ी पहनते हैं जिसमें जो इंटरनेट बेस्ड है, या मोबाइल जो आपके पास इंटरनेट बेस्ड हैं, उसी तरह से वेयरेबल सिस्टम्स कि वी विल बी टॉकिंग, जितनी भी चीज़ें हैं, और हमको पता है कि साइमल्टेनियसली नॉट ओनली वी विल बी वॉचिंग वीडियोज़, इंटरैक्टिंग एट द सेम टाइम, कनेक्टिंग विद वर्ल्ड, और हम जिसको हम वेयरेबल कहते हैं, जो हमारे बॉडी का पार्ट होता है, उस तरह से हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, रोबोटिक्स की तरफ को जिस तरह से हम जा रहे हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। टीचर्स के लिए एक अपने आप में मुझे लगता है कि बड़ी चैलेंजिंग भी है और बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, क्योंकि जो उनके असिस्टेंट्स हैं वो एक तरह से एलेक्सा की दुनिया है, और गूगल असिस्टेंट्स हैं जो आपके चारों तरफ हैं, सोफिया आपके चारों तरफ हैं कि किस डायरेक्शन में हैं वो आपको नेविगेट करने के लिए पर्याप्त हैं, काफ़ी भी हैं। वी विल हैव सेवरल लेक्चर्स ऑन दिस आस्पेक्ट की टेक्नोलॉजी जिस डायरेक्शन में हमको ले जा रही है, और कितना हम किस तरह से अपने को तैयार कर सकते हैं, स्पेशली विद रिगार्ड टू फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो प्रेजेंटली दिस ह्यूमैनिटी इज अंडरगोइंग, और ये इसकी जो श्रृंखला है इन लेक्चर्स की, ये आगे जारी रहेगी। थैंक यू।